नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल शनिवार को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई। वर्चुअल तरीके से ये बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया था। हालांकि जदयू अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद इंडिया गठबंधन में एक असहज सन्नाटा छाया हुआ है, तो वहीं सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जदयू के बड़े पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से पहले 24 जनवरी और 27 जनवरी के बीच नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि वह संयोजक नहीं बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार के इनकार के बाद कुछ पार्टियों ने संयोजक के लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव का नाम का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर ऐसा है तो लालू जी को ही संयोजक बना दीजिए। शनिवार को ही वर्चुअल मीटिंग से बाहर आने के बाद बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि बैठक में संयोजक पद का प्रस्ताव रखा गया था। मुख्यमंत्री चाहते थे कि गठबंधन का संयोजक कांग्रेस से ही हो। हमारे नेता नीतीश कुमार ने बैठक में कहा कि इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष कांग्रेस से बनना चाहिए। संजय झा ने कहा कि बैठक के दौरान बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन सीट बंटवारों पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं जदयू सूत्रों ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन के सहयोगियों की सलाह को नजरअंदाज किया है, उससे नीतीश कुमार नाखुश है। इस बीच भाजपा को एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के घटक दलों के कई नेता जदयू अध्यक्ष के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की पांचवी बैठक भी बेनतीजा रही। विपक्षी गठबंधन में एक नेता दूसरे को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रहे हैं। अब लग रहा है कि कांग्रेस ने खुद को सर्वोसर्वा बना लिया है। सीट की संख्या, संयोजक और प्रधानमंत्री चेहरे का नाम पर विपक्षी गठबंधन में काफी दिनों से घमासान जारी है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार घोषित किया जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से उनकी नाम की घोषणा नहीं की गई। इंडिया गठबंधन के लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार बने। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए काम कर रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश की कोशिश अब रंग ला रही है। नीतीश जी ने कांग्रेस को संयोजक पद देने का सुझाव दिया। हम सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हमारे नेता का एजेंडा संयोजक बनना नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है, भाजपा हटाओ और देश बचाओ। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन का दायरा बढ़ रहा है, जिसे लेकर भाजपा असहज महसूस कर रही है। तो कल बड़ी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की वर्चुअल तरीके से, और इस बैठक में नीतीश कुमार को जो संयोजक बनाने का प्रस्ताव लाया गया था उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार 24 से 27 जनवरी के बीच कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में, ये वही जानते हैं। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, क्या नीतीश कुमार सच में जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।